नमस्कार जी, ओम शांति, ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 9। 9 नंबर किस ग्रह से दमन करता है? 9 नंबर जो होता है मंगल से। यानी बोलते हैं ना, मंगल है तो जीवन में मंगल है, और नहीं तो यही मंगल आपके जीवन में दंगल भी दे देता है। और दंगल देने पर क्या है, आपकी सावधानी और बच के रहने की जरूरत है। और नहीं तो इस मंगल को यानी नंबर 9 को अगर पॉजिटिव में लेके जाते हैं तो हर जीवन के कार्य भी मंगल में ही होगा, आपके लाइफ ही मंगल में होगा, क्योंकि 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और आज हम बात भी करने वाले हैं 9 नंबर के कुछ ऐसे टॉपिक्स में, ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे जो शायद आपने सुनी ना हो। जिन लोगों का जन्म की तारीख 9 तारीख, 18 तारीख या अगर 27 तारीख को है तो मूलांक 9 से रूल करते हैं, न्यूमरोलॉजी में देखा गया। और 9 नंबर क्या है, जब भी किसी नंबर को अगर डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि किस प्लैनेट से होता है। और इसका जो प्लैनेट्स होता है मंगल का होता है। अब मंगल यानी कि सेनापति, सोल्जर। अब नंबर 9 भी होता है, आने वाला जो साल है नंबर 9 का भी आने वाला है, उस पर अलग वीडियो बताऊंगा कि यही 9 नंबर अगर पर्सनल ईयर में आता है तो आपके जीवन में क्या देता है। बट आज हम नंबर 9 के जन उसकी क्वालिटी, उसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, उसका क्वालिटी क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उस इंसान की लाइफ में कैसा होता है और उनकी लाइफ कैसी होती है। नंबर 9 जो होता है ना, अगर हम बात करें तो 9 नंबर जो होता है बेसिकली जनरली देखा गया है कि ऐसे लोग जो है ना कि एक एनर्जेटिक होते हैं, फायर होता है, एक अग्नि होती है, एक अद्भुत ऊर्जा होता है। और इस अपने ऊर्जा को सही दिशा में यूज कर रहे हैं या गलत दिशा में यूज कर रहे हैं, अगर सही दिशा में आप अपने डायरेक्शन में इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो यही मंगल आपके जीवन में हर काम को मंगल करेगा। और नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो यही मंगल आपके जीवन में दंगल को पैदा कर देगा। अब बात आता है कि नंबर 9 के लोग क्या होते हैं, थोड़ा रिजिड हो जाते हैं, एक कॉमन नेचर देखा है, थोड़ा गुस्सा वाला भी होता है, थोड़ा कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है। और ऐसे लोग हैं काफ़ी लाउडली भी बहुत हो जाते हैं, हर चीज़ में थोड़ा आवेश में आ जाना इनके अंदर क्वालिटी होता है। क्योंकि कैसे अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो साउथ होता है, साउथ ऐसे ही फायर विंग होता है, क्योंकि नंबर 9 के लोग जो है ना गवर्न करते ही हैं मार्स से, मंगल से, जो एक बहुत ही हॉट प्लानेट है, गर्म प्लानेट है। अब किसी भी चीज़ में अगर बोलते हैं ना कि अगर उसके टेम्परेचर को गर्म चीज़ है और उसकी अगर टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा अगर हीट कर देंगे तो क्या होगा, किसी जैसे पानी होता है ना तो वो अगर बॉयल होता है, अगर कहीं गिर गया तो जला देगा। और वही पानी को अगर सही से हम अगर कहीं रखते हैं वाटर को, तो उससे अगर किसी काम के लिए करते हो तो काम कर जाता है, और नहीं तो वही पानी अगर किसी के नुकसान भी कर सकता है और किसी का जान बचा भी सकता है। तो ऐसे लोग ये होता है ना कि ज़्यादातर तो होता है कि लोग ऐसे लोगों का दूर से दोस्ती होती है, अच्छा रहता है, बट कभी कभी लोग इनसे दूर भी भागते हैं। इनको पसंद, इनके साथ रहना, इनके साथ लाइफ पार्टनर करना लोग पसंद भी नहीं करते हैं। क्योंकि गर्म चीज़ को अगर हाथ लगाओगे तो आपको भी जलाएगा, दूसरे को भी जलाएगा, खुद भी तो जलेगा ही जलेगा। लेकिन जो चीज़ इतनी गर्म है और उसको कहीं ना कहीं अगर सिंगल छोड़ देते हैं, अकेलापन छोड़ देते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि उसके नेचर को, करेक्टर को बताता है कि नंबर 9 को अगर हीट कर दे कोई व्यक्ति, कोई आया चार बात आपको बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया और वो व्यक्ति बोल के साइड निकल गया, नुकसान किसे हुआ, आपको। क्योंकि आप जितना जो एंगर किए ना, गुस्सा किए, सारा एनर्जी आपका लॉस हो गया, सामने वाला बोला और साइड ले लिया, नुकसान किसको हुआ, आपको। कहावत है ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर दान देता है, डोनेट देता है, तो दान दी हुई चीज़ को वापस नहीं लेना होता। अब वो व्यक्ति आपको दान दे दिया, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने लिया, अगर नहीं लिए तो आपके पास आया नहीं आया। तो वैसे ही है, अपने गुस्सा को, अपने काबू, अपने जो एनर्जी को है उसको बचा के रखना। अब इस एनर्जी को कहाँ पे यूज करना है ये भी समझिएगा, क्योंकि लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है। अगर आपके DOB में 9 नंबर अगर रिपीट हो रहा है 3 times या 4 times आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान को देखा जाता है। अगर कुंडली की बात करें तो मांगलिक दोष भी देखा गया। अब मांगलिक दोष क्या होता है और क्या इसका समाधान भी किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे अनेक रेमेडीज हैं। बट अगर आपके अंदर गुस्सा जब अगर नंबर 9 4 times आता है, तो खास करके आपकी एंगर को बहुत ज़्यादा टू मच बोलते हैं ना कि बढ़ा देता है, आपकी गुस्सा, आपकी सहन शक्ति को तेज कर देता है। हालांकि 9 नंबर है, परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके काम कोई फंसते नहीं है, कोई अटकते नहीं। मेन टाइम पे अगर किसी चीज़ को, कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, उस काम को करने की आपने मान के चलो प्लानिंग कर ली, आज आपके पास बजट नहीं, बस सोचते चलो कोई बात नहीं, काम ठान देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा डेट मीन्स कि ईश्वर आपको द एंड टाइम पर आपके काम को पूरा करवा देते, ये आपका पॉजिटिव सेंस है।
दूसरा अगर आपके नाइन मूलांक भी नाइन है, भाग्यांक भी नाइन है, या आपके डीओ में नाइन नंबर बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो कहीं कैसे व्यक्ति को थोड़ा मैरिड लाइफ में भी समस्या आती है और संबंधों में भी खटास होता है, क्योंकि आप गुस्से की वजह से अपनी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, और इनसे ऐसा जो होता है ना, और इसके वजह से लोग आपसे डिस्टेंस बना लेते, थोड़ा दूरियां बनाते, सोचते करें इससे बात करना है चार गाली देगा, उल्टा बात बोलेगा, इससे क्या मतलब है। तो लोग समझते अलग है, और आप अपने गुस्से के कारण शिकार हो जाते हैं, और लाइफ में एक नहीं अनेक ट्रबल परेशानियां आना शुरू हो जाती है, और खास करके आपकी जो पर्सनल लाइफ जो होती है, जो आपका पर्सनल लाइफ है, वो भी आपको डिस्टर्ब होता है। अब पर्सनल लाइफ को अच्छा करना है तो यहाँ पे मंगल को आपको समझना पड़ेगा कि मंगल को कैसे आपको ठीक करना है। सबसे पहले आपको तो जब आप बिल्कुल अकेला हो गए, आपके लोग साथ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बोलते ना कि एकदम स्टक हो गया, फंस गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किस ओर जाएं, किससे हेल्प लें, तो वहाँ पे आपको शांति से दिमाग से सोचना है, क्योंकि नाइन नंबर जो है ना मंगल से गवर्न करता है, और वो लोग कैसी छोटी चीज़ों लाइफ को अपने डायरेक्ट अपने लाइफ पे इफेक्ट दिखाता है। सिंपल से बात है, आपको क्या करना, वर्कआउट यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आप या तो मेडिटेशन करें, या योगा करें, या तो कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें, या तो आप अपने बॉडी के हीट को निकालने के लिए आप चाहें तो जिम भी करें। उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका स्वेट पसीना बहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। या आप चाहते हैं कोई सोशल वेलफेयर में, कोई एनजीओ में, कोई हॉस्पिटल में अगर आप सेवा देते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। अगर मंगल की दशा चलिए तो इस कंडीशन में आप अपने ब्लड को भी डोनेट करके मंगल को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का जो दंगल पड़ेगा उससे बचना चाहते हैं तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब ब्लड डोनेट कैसे करना है, और इसमें समझिएगा, या तो आप चाहें तो कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे आपको समझ लो कि एक जस्ट लगे एक टोटका जैसा, आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वहीं हॉस्पिटल का कुछ चीज़ें खाना है, पानी पीना है, चाय बिस्किट या घर से बना के लेके जा, थोड़ा देर टाइम करना है, वहाँ टाइम काटना है, स्पेंड करना है, उसके बाद थोड़ी सी पिन से फिंगर में चुहा के और दो बूंद आपको ब्लड वहाँ डोनेट करना है, एक ये ऑप्शन है। या तो आप चाहें तो हॉस्पिटल में जो ब्लड कैंप होता है डोनेट करने वाली, वहाँ पर जाके आप अपने ब्लड को भी डोनेट कर सकते हैं, इससे मंगल आपका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ और क्या करना है कि अगर लाइफ में आप हैप्पी रहना चाहते हैं, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक बनना चाहते हैं, हर काम हमेशा अपने एक्टिव होकर करना चाहते हैं और करते भी हैं, और कहीं कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन भी होता है, और कुछ चीज़ें कई बार ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हैं बट कल पे टालना ये आपको पसंद नहीं, आपको लगता बस बोला ये काम मेरा अभी के भी हो जाना चाहिए, तो ये आपके अंदर विशेष क्वालिटी है। तो नंबर नाइन के लोग जो होते हैं, यही कहूँगा कि जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं वो करना बहुत ही जरूरी है, उसे कीजिए, उसे टालिए नहीं कल के ऊपर। और फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा या ध्यान लगाना, ध्यान की अलग अलग क्रिया होती है, या जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और आपको रामबाण उपाय दे रहा हूँ, आपको एवरी डे कम से कम रात को सोने से पहले 9 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं, और लास्ट में श्री राम स्तुति का एक बार पाठ कर लें। आप डेली इस रूटीन को मेंटेन करें, अगर डेली नहीं करते हैं एटलीस्ट मंगलवार को मंगलवार जरूर करें, और अगर डेली आप सावा महीना करके देखें 45 डेज, आपके जीवन में बिल्कुल चेंजिंग आएगा, आप सोच भी नहीं सकते आपके लाइफ में कैसे चेंजिंग आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आप भी नंबर 9 से रूल करते हैं, आपका मूलांक 9 हो या भाग्यांक 9 हो, आपका ड्राइवर 9 हो या कंडक्टर 9 हो, कैसे भी लाइफ पर डेस्टिनी कहीं से भी अगर 9 नंबर आ रहा है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, आप भी लाइक करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।